प्रथम तहलका न्यूज। पलवल में जजपा पार्टी के छात्र संगठन ने इनसो के स्थापना दिवस पर जाट धर्मशाला में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता हर्ष कुमार मुख्य अतिथि रहे। और इस दौरान पूर्व मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता हर्ष कुमार ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान माना जाता है, इससे दूसरों को जीवन दान मिलता है, इसलिए हर व्यक्ति को समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। जननायक जनता पार्टी समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के चलते जिले में रक्त की भारी कमी चल रही है, इसीलिए वो जिले के सभी लोगों से अपील करते हैं कि सभी को रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, जिससे कि किसी का जीवन खतरे में ना पड़े। तो आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप है, जननायक जनता पार्टी के जो विद्यार्थी विंग है इनसो, उसका स्थापना दिवस है कल। उस उपलक्ष्य में यहाँ के जो इनसो के कार्यकर्ता हैं, उन बच्चों की तरफ से आज के इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन है, पौधारोपण का है और ब्लड डोनेशन कैंप का है। उसमें आज करीब 150 यूनिट ब्लड इकट्ठा हुआ, 150 बच्चे अपना ब्लड डोनेट करें, और ये आज पूरे हरियाणा में है, और हरियाणा में 10,000 यूनिट ब्लड आज के दिन हमारे नौजवान आज। कुछ क्या कहेंगे जी रक्तदान के बारे में? रक्तदान के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह से आज कोरोना जैसी महामारी चल रही है? देखिए, कोरोना जो महामारी है वो महामारी अलग चीज है, लेकिन इनमें जज्बा है ब्लड देने का, स्वस्थ बच्चे हैं, और आज हम देखते हैं तो ब्लड की जरूरत हुई है देश की। पूरा देश कोरोना की बीमारी अलग है, इसके अलावा बहुत सी बीमारियों से जूझ रहा है, और सीमा पे हमारे जवानों को भी ब्लड की जरूरत है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए आज का दिन इन्होंने हमारे इनसो जो विंग है 14:00 चौटाला के उनके से आज का ब्लड डोनेशन का। जिले में इस तरह के कार्यक्रम और भी आयोजित किए? देखो, आज तो पहला कार्यक्रम है, लेकिन आज के बाद जो हम नौजवानों में देखने को मिली है, उससे लगता है कि ये कैंप अभी चलेंगे। जजपा पार्टी के छात्र संगठनों ने इनसो के स्थापना दिवस पर जाट धर्मशाला में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता हर्ष कुमार मुख्य अतिथि रहे। दरअसल रक्तदान को सबसे बड़ा दान माना जाता है, और इसके लिए रक्तदान शिविर में लोगों को प्रेरित भी किया गया। प्रथम तहलका के लिए पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट।